तूफान को देखकर सभी गांव वालों के मन में खौफ पैदा हो जाता है और इन सभी को देख रानी अपने बाबा ललित से कहती है, बाबा ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये आंधी तूफान में कैसे तब्दील हो गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा ये तूफान किसी बुरे साय का संकेत नहीं बल्कि कुछ अच्छा होने का संकेत दे रहा है। लेकिन बाबा वो अच्छा क्या हो सकता है? आखिर ये संकेत हमें क्या बताना चाह रहा है? सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे तभी हवाओं का रुख एक बार फिर से बदलता है। जहां सभी गांव वाले चिंता में डूबे हुए थे तो वहीं उनको सामने से उनकी तरफ आते हुए दो छवि नजर आती है। तूफान ज्यादा तेज था जिस वजह से गांव के लोग उनका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जब उन दोनों की छवि उन गांव वालों के सामने आती है तो उनको दो लड़कियां नजर आती है और उन दोनों लड़कियों को देखकर ललित उनसे कहता है, बेटा तुम दोनों यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हो? देखो हम सभी की मदद जरूर करते हैं पर हम अभी आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारा गांव खुद खतरे में है। बाबा आप चिंता मत कीजिए हम है ना। बेटा पहले तुम मंदिर में प्रवेश करो उसके बाद हम बात करते हैं। मंदिर से बाहर खड़े रहना सही नहीं है। आप सभी गांव वालों की परेशानी को ही दूर करने हम यहाँ आए हैं। बाबा जिस डर से आप डर रहे हैं हम दोनों उस डर को ही खत्म करने आए हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी एक और तूफान उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर ललित कहता है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुम दोनों पहले मंदिर में आ जाओ भोलेनाथ स्वयं तुम्हारी मदद करेंगे। बाबा आपकी परेशानियों का हल स्वयं भोलेनाथ ने निकाला है इसलिए अब आप सभी लोगों को उस पिशाचनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पिशाचनी का नाम सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे पर अब एक बार फिर डर की शिकन आ गई और डरते हुए गांव की एक औरत बोली, लेकिन आप दोनों है कौन और आप पिशाचनी के बारे में कैसे जानती हैं? साथ ही आप दोनों इतने दावे से ये कैसे कह सकती हैं कि तुम दोनों हमारी रक्षा करोगी? आप लोग हमारी पहचान ना ही पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमें यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं भोलेनाथ ने भेजा है। मैं कुछ समझा नहीं आखिर कौन हो तुम दोनों? तुम दोनों को आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा। हाँ आप सभी लोगों ने हम दोनों को आज से पहले कभी नहीं देखा होगा क्योंकि हम इस गांव के हैं ही नहीं। तुम इस गांव की नहीं साथ ही तुम इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही हो इसका मतलब तुम कहीं उस पिशाचनी के भेजी हुई। मैंने आप सभी लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आप सबकी मदद करने के लिए हमें यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ ने भेजा है। इतना बोलने के बावजूद आप सबको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? हाँ नहीं हो रहा है क्योंकि हम सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। अगर तुम भोलेनाथ द्वारा भेजे गए हमारा फरिश्ता हो तो तुम इस भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करके दिखाओ। उसकी ऐसी बात सुनकर नैना और नगीना भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और अपना तांडव शुरू करती है। तांडव देख सभी हैरान हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक इच्छाधारी नागिन बन जाती है। क्या यूँ कहें कि वो दोनों पहले तो अपने अर्धनागिन अवतार में आती है और थोड़ी ही देर बाद वो अपने पूर्ण नागिन अवतार में तब्दील होती है। ये देखकर गांव वालों को अब विश्वास हो जाता है कि नैना और नगीना को सच में स्वयं भोलेनाथ ने उनकी सुरक्षा के लिए भेजा है। उन दोनों नागिनों को देख अब सभी की जान में जान आती है। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्त हो और तुम दोनों हमारी रक्षा करने आई हो परंतु ललित की बात सुनकर नैना और नगीना दोनों ही अपने अर्ध रूपी नागिन अवतार में आती है और ललित को जवाब देते हुए नैना कहती है, परंतु क्या बाबा अब क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? नैना बिटिया वो एक पिशाचिनी है। पिशाचिनी वो बहुत शक्तिशाली है कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों हमारी रक्षा करते करते हे भोलेनाथ मेरी इन दोनों नागिन बच्चियों की भी रक्षा करना। बाबा लगता है आपने हमारी शक्तियों को अभी पहचाना नहीं है। हम दोनों एक इच्छाधारी नागिन है नागिन। हम दोनों अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे नागलोक की इच्छाधारी नागिन हूँ नागिन। हाँ बाबा मेरी नैना बहन शेष नागिन है और शेष नागिन सर्वश्रेष्ठ नागिन होती है। नागिनों की नागिन शेष नागिन। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो पिशाचनी आप लोगों के पीछे क्यों पड़ी है। मैं आप सभी लोगों को कुछ बताती हूँ। रुको रानी अभी नहीं ये सही समय नहीं है बताने का। इनको पहले यहाँ से किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा तभी हम ऐसे बताएंगे। बाबा लगता है आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं है। खैर आपको जो सही लगे आप वो करिए
अगर आपको ये लगता है कि ये जगह उचित नहीं है कुछ बताने के लिए, तो आप हमें अपनी जगह अनुसार ले जाइए, उसके बाद ही मुझे सारा सच बताइए। जैसे ही ललित नगीना और नैना को भोलेनाथ के मंदिर से बाहर लेकर जाने लगता है, वैसे ही वहाँ रघु आता है और मंदिर के बाहर ही घायल अवस्था में रघु सबसे मदद मांगते हुए बोलता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो पिशाचिनी मुझे मार देगी, मुझे उसके प्रकोप से बचा लो। बाबा ये तो रघु है, ये यहाँ क्या कर रहा है? हो ना हो इसको इतना घायल करने वाली वो पिशाचिनी ही होगी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए बाबा। ये बोलकर रानी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वैसे ही नैना अर्धरूपी नागिन अवतार में आती है और उसको अपनी पूंछ में पकड़ लेती है और भोलेनाथ के मंदिर में ही रोक लेती है। ये देखकर ललित कहता है, हे नागिनों की नागिन, शेष नागिन, आपने मेरी बच्ची को अपनी पूंछ में क्यों जकड़ लिया? देखो वो बेचारा कितना घायल हो रहा है, आखिर उसकी मदद तो करनी होगी। बाबा आप सही बोल रहे हैं, वो बेचारा बहुत ही घायल है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद तो हम उसकी करेंगे ना जो सच में घायल हो। क्या मतलब? मतलब ये जो आपके सामने आप सभी को रघु दिखाई दे रहा है, वो कोई लड़का नहीं बल्कि उस पिशाचिनी का छलावा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे सामने रघु है, उसके शरीर से जगह जगह रक्त निकल रहा है। रानी याद रखना कि अक्सर पिशाचिनी इंसान के शरीर के खून को नहीं छोड़ती। यदि इंसान के शरीर से खून निकल रहा है, इसका मतलब पिशाचिनी तुम्हें अपने छलावे में फंसा रही है, क्योंकि पिशाचिनी खून की प्यासी होती है और वो अपने खून को कभी इस तरह बहता नहीं देख सकती। नागिन और गांव के सभी लोग आपस में भोलेनाथ के मंदिर में बातें कर रहे थे कि तभी रघु जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए वो हवा में अपने दोनों हाथों को फैलाकर उड़ने लगता है। उसका इतना भयानक रूप देखकर सभी गांव वालों के मन में खौफ पैदा हो जाता है और वो अपने दो कदम पीछे कर लेते हैं। रघु को देखकर गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो रघु गांव का सर्वे करने आया था वो आज इस हालत में है। खैर ये देखकर रानी रघु से कहती है, रघु तुम तो एक इंसान थे ना, तो तुम भला इस तरह? मुझे बचा लो रानी, इसने मेरे शरीर को जकड़ लिया है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए, मुझे इसके चंगुल से आजाद करवाओ रानी, प्लीज इस मंदिर से बाहर आकर मेरी मदद करो, नहीं तो ये मुझे तड़पा तड़पा कर मार देगी। हाँ रघु मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, मैं अभी आती हूँ। ये बोलने के साथ ही रानी जैसे ही अपने कदमों को मंदिर से बाहर निकालती है, वैसे ही रघु पिशाचिनी में तब्दील हो जाता है और वो उसको हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद वो हंसते हुए रानी से कहती है, गांव वालों तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हारी शेष नागिन ने तुम्हें चेतावनी दी थी कि इस मंदिर से बाहर मत आना, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी नागिन की बातों को काटते हुए ये मूर्ख लड़की बाहर आ गई। मूर्ख लड़की, देख लिया तुमने अपनी बेवकूफी का नतीजा? मुझे छोड़ दो प्लीज, नैना मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ इसके हाथों से। मैंने तुम्हें कहा था कि वो कोई रघु नहीं है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। नैना हमें इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। करना क्या है नगीना, अब हमें रानी को भी बचाना है, साथ ही इस पिशाचिनी का खात्मा भी करना है। इतना बोलकर नैना और नगीना अपने पूर्ण नागिन अवतार में आती है और मंदिर के बाहर जाकर पिशाचिनी के ऊपर अपनी आंखों द्वारा नीले रंग की रोशनी से प्रहार करती है। उस प्रहार से पिशाचिनी नीचे गिर जाती है और पिशाचिनी के साथ साथ जैसे ही रानी नीचे गिरने को होती है, वैसे ही नगीना रानी को अपनी पूंछ में पकड़कर मंदिर में छोड़ देती है। इस तरह उनके बीच एक घमासान युद्ध शुरू होता है। कभी पिशाचिनी नागिन के ऊपर हमला करती तो कभी नागिन पिशाचिनी के ऊपर। ऐसे ही दोपहर से रात हो जाती है। पिशाचिनी घायल हो चुकी थी और वो वहाँ से उल्टे पैर जाने लगती है। जाते जाते पिशाचिनी सभी को धमकी देते हुए कहती है, ये खेल यही खत्म नहीं हुआ, मैं अभी घायल हूँ, याद रखना जिस दिन मैं ठीक हो गई उस दिन मैं वापस आऊंगी। इतना बोलकर अब पिशाचिनी वहाँ से गायब हो जाती है।